लेट्स सी द नेक्स्ट, जहाँ पे वो एक स्टैचू रहता है और वो सोने का बना हुआ होता है, लेकिन उसकी जो आईज होती हैं और उस पर ब्लू स्टोन्स लगे होते हैं, जो उसकी स्वॉर्ड होते हैं उसके हिल्ट पे, उसके हैंड पे रूबी लगी होती है, रूबी जो स्टोन होते हैं वो लगी होती है। तो वहीं पे एक स्वैलो आता है, जिसको वो स्वैलो जब उड़ के आता है उसके पैरों के पास बैठता है, तो वहीं से उसको जैसा लगता है पानी की बूंदें पड़ गई, क्योंकि देखता है चूँकि आसमान बिल्कुल क्लियर होता है, तो फिर उसकी जो नज़र होती है स्वैलो की, उसकी आँखों पर पड़ जाती है। तो वो जो स्टैचू होता है वो रो रहा होता है। फिर वो जब पूछता है तो वो एक्सप्लेन करता है, तो क्या कहता है, फॉर अवे, तो वो कहानी बताता है कि वो दुखी क्यों हैं, क्योंकि चूँकि उसका नाम हैप्पी प्रिंस रहता है। तो स्वैलो ये पूछता है कि तुम तो हैप्पी हो, तो फिर तुम रो क्यों रहे हो। तो फिर बताता है कि वो जो सिटी है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दुख है, उसकी वजह से वो रो रहा है। तो क्या आगे कहता है, फॉर अवे कंटिन्यूड द स्टैच्यू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस। अब जो अपनी बातों को बिल्कुल म्यूजिकल वॉइस में लो करके वो बताता है, बहुत दूर, फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट, बहुत दूर एक छोटा सा स्ट्रीट है, देयर इज़ अ पुअर हाउस, जहाँ पर एक पुअर हाउस है, वन ऑफ द विंडोज इज़ ओपन, और उसमें एक जो खिड़की है वो खुली हुई है, एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वूमेन सीटेड एट अ टेबल, और उसी के थ्रू मैं देख सकता हूँ कि एक जो वूमेन है वो एक टेबल पर बैठी हुई है। हर फेस इज़ थिन एंड वॉर्न, उसका जो चेहरा है बहुत ही सूख गया, बहुत ही पतला हो गया, एंड शी हैज़ अ कोर्स रेड हैंड्स, और उसके जो हाथ है बहुत ही कोर्स हो गए, रफ हो गए, रेड हैंड हो गए, मतलब लाल हाथ हो गए, ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल। ऐसा क्यों हो गया है, क्योंकि वो जो सुई है ना, वो सिलाई कढ़ाई के काम करती है, तो सुई है उसके हाथ में इतने छिद गए हैं, इतने चुभ गए हैं कि उसके जो हाथ है वो रेड हो गए हैं। फॉर शी इज़ अ सीम स्ट्रेस, जो सिलाई कढ़ाई करते हैं, तो शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन अ सैटिन गाउन। तो सैटिन क्या है, ये कपड़े की एक वैरायटी है, तो वो क्या कर रही होती है, उस गाउन पे एम्ब्रॉयडरी कर रही होती है फ्लावर्स की। फॉर द लवलीएस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर, किसके लिए, जो मेड्स ऑफ ऑनर होती है, मतलब कि मेड्स ऑफ ऑनर क्या होता है, क्वीन को अकम्पनी करने वाली, जैसे डांस या पार्टी में जो जाती हैं उनके साथ वो होती है, तो उनके लिए एक कोर्ट बाल है। कोर्ट बाल मीन्स डांस पार्टी जो किंग के यहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो उसे कहते हैं कोर्ट बाल। तो वो वहाँ पे जाते, तो उसके लिए पहनने के लिए, मेड्स ऑफ ऑनर को पहनने के लिए वो सैटिन गाउन में उसके फ्लावर्स एम्ब्रॉयडरी कर रही होती है। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, और वहीं पे कॉर्नर, रूम के कॉर्नर में बेड पे हर लिटिल बॉय इज़ लाइंग इल, उसका जो एक छोटा बच्चा है जो बीमार पड़ा हुआ है, ही हैज़ अ फीवर, उसे फीवर है, एंड इज़ आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, और वो क्या मांग रहा है अपनी माँ से, ऑरेंजेस। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट अ रिवर वाटर, उसके माँ के पास कुछ नहीं है सिवाय पानी के, रिवर वाटर के, सो ही इज़ क्राइंग, इसलिए वो चिल्ला रहा है। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, अब वो स्वैलो से कहता है जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है, कि प्यारे छोटे स्वैलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट, क्या तुम ये जो रूबी है जो मेरे स्वॉर्ड हिल्ट में लगा हुआ है, क्या तुम इसे बाहर नहीं निकाल दोगे, क्या तुम उसे दे नहीं दोगे। माई फिट आर फास्टेन, मेरा जो पैर है, फास्टेन मीन्स बंधा हुआ है, टू दिस पेडेस्टल, एंड आई कैन नॉट मूव, और इसलिए मैं यहाँ से हिल नहीं सकता। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, सेड द स्वैलो। देखिए स्वैलो कहता है कि मुझे वहाँ इजिप्ट जाना है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन, मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो उड़ रहे होंगे अप एंड डाउन द नील, जो नील नदी है उसके ऊपर, एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, और किससे बातें कर रहे होंगे, लोटस फ्लावर से, सून दे विल गो टू स्लिप, और वो जल्दी ही अब सो भी जाएंगे। द प्रिंस आस्क द स्वैलो टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, अब जो प्रिंस है वो इसे कन्विंस करता है स्वैलो को कि एक रात के लिए वो वहाँ पे रुक जाए और उसका मैसेंजर बन जाए। द बॉय इज़ सो थर्स्टी, क्योंकि वो जो लड़का है वो बहुत थर्स्टी, एंड द मदर सो सैड, और उसकी जो माँ है वो बहुत दुखी है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, एंसर्ड
स्वालो, स्वालो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं बच्चों को पसंद करता हूँ, आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, और मैं इजिप्ट जाना चाहता हूँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड, लेकिन अब जो हैप्पी प्रिंस उसके जवाब को सुनकर बहुत दुखी हुआ, दैट द लिटिल स्वालो वॉज सॉरी, लेकिन इस पर जो है स्वालो जो है सॉरी फील करता है। इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर, यहाँ पे बहुत ठंड है, ही सेड, बट ही एग्री टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। लेकिन अब जो स्वैलो है उसको जब देखता है कि वो बहुत दुखी हो गया है तो वो वहाँ पर रुकने के लिए एग्री हो जाता है एक रात के लिए, ताकि वो उसका जो काम हो वो कर दे। थैंक यू लिटिल स्वैलो, सेड द प्रिंस। द स्वैलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड। अब स्वालू क्या करता है, प्रिंस का जो स्वॉर्ड है उसके हिल्ट से वो जो रूबी होती है, जो स्टोन होती है, वो निकाल लेता है एंड फ्लू अवे विथ इट इन हिज बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, और उड़ जाता है वो रूफ के ऊपर से शहर पे, अपने बीक में उसको फंसा लेता है और रूफ के ऊपर शहर में उड़ जाता है। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर, कैथेड्रल मतलब कि जो चर्च वगैरह होते हैं उसके ऊपर से होते हुए, वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वेयर स्कल्पचर्ड, तो वहाँ पे जो दो एंजल्स बनी होती हैं उसके ऊपर से होते हुए, ही पास्ड बाय द पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, उस महल से भी जहाँ पे वो सुनता है डांसिंग की आवाज़। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट, एक ब्यूटीफुल गर्ल वहीं पर बाहर आती है ऑन द बालकनी विथ हर लवर। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, वो कहती है कि आई होप कि मेरा वो जो ड्रेस है स्टेट बॉल, वो जो टाइम डांस का है तब तक रेडी हो जाएगा। आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, और मैंने उसे जो है फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी करने के लिए उस पर ऑर्डर दिया है। बट द सीम्स ड्रेसेस आर सो लेजी, लेकिन ये जो सिलाई कढ़ाई करने वाली होती हैं ये बहुत लेजी होती हैं। ही पास्ड ओवर द रिवर and saw the lanterns hanging on the masts of the ships. अब वो river के ऊपर से होते हुए जाता है and saw the lanterns hanging on the masts of the ship. Mast क्या होता है, जैसे वो जो तो mast वो जो ship के ऊपर जो लकड़ियाँ होती हैं लगी होती हैं और उसके ऊपर जो कपड़े टांगे जाते हैं, ये विंड के डायरेक्शन को बदलने के लिए होता है। तो अब उस पर क्या हो गया है, लैंटर्न जो है वो लटकाया गया है ताकि दूर तक की रोशनी शिप से देखी जा सके, रास्ते को देखा जा सके। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस, और अंत में वो जो वुमेन होती है उसके घर पर पहुँचता है एंड लुक्ड इन, और चारों तरफ देखता है, खोजता है। The boy was tossing feverishly on his bed. जो बच्चा है वो बिल्कुल फीवर में पड़ा हुआ था, मतलब उसको बहुत फीवर रहता है। And the mother had fallen asleep. She was so tired. वो बहुत ज़्यादा थक गई होती है और वो सो गई होती है। In he hoped and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble. अब वो सोचता है कि ये जो रूबी है उसके टेबल के बगल में जो वुमेन का थिम्बल होता है वो वहीं पर रख देता है। थिम्बल क्या होता है, जो उंगली में पहनने के लिए कैप होती है जो सिलाई के समय पहनी जाती है ताकि सुई न चुभे। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, फिर वो क्या करता है, चारों तरफ बैठ के घूमता है, फैनिंग द बॉयज फॉरहेड विथ हिज विंग्स, और जब वो घूमता है तो उस लड़के के फॉरहेड पे वो जो हवा होती है उसके पंख से लगता है। हाउ कूल आई फील, तो उसको बहुत कूल फील होता है। सेड द बॉय आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, उसको लगता है कि अब वो ठीक हो रहा है। एंड ही सैंक इनटू डिलीशियस स्लम्बर, और वो बिल्कुल नींद में चला जाता है। देन द स्वैलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, अब जो स्वैलो है वो वापस लौट कर हैप्पी प्रिंस के पास आता है एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन, और बताता है कि उसने क्या किया। इट इज़ क्यूरियस He remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold. अब वो कहता है कि मैं बहुत गर्म फील कर रहा हूँ हालांकि यहाँ पर ठंड है। That is because you have done a good action, said the prince. Prince कहता है कि क्योंकि तुमने एक बहुत अच्छा काम किया है इसलिए तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है। And the little swallow began to think,
और अब जो स्वैलो है वो सोचना शुरू करता है एंड देन फेल स्लीप, और जल्द ही सो जाता है। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, क्योंकि जो सोचना है ना वो उसको जल्दी ही सुला देता है, जब वो सोचने लगता है तो वो सो जाता है। वेन डे ब्रोक ही फ्लू डाउन टू द रिवर एंड हैड अ बाथ, टू नाइट आई गो टू इजिप्ट सेड द स्वैलो। स्वैलो अब कहता है कि अब मुझे इजिप्ट जाना है, जब दिन होगा तो वो जल्द ही उड़ के कहाँ जाएगा, रिवर पे वो नहाना नहाने के लिए। एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स एट द प्रॉस्पेक्ट, अब उसकी जो स्पिरिट्स होते हैं बहुत हाई होते हैं। ही विजिटेड ऑल द मॉन्यूमेंट्स एंड सेट ऑन लॉन्ग टाइम ऑन द टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल, अब वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहाँ कहाँ जाएगा, बैठेगा, मिलेगा, ये सारी चीज़ें सोचने लगता है। ओके, थैंक यू।